जरूर। कल हम लोग पढ़े थे चार, क्या पढ़े थे? चार पढ़े थे, उसको बाद बाद हम लोग पढ़े थे प्रॉपर्टी का चार, प्रॉपर्टी का चार। तो बताया था कि टू लाइक चार रिपल्सिव, रिपल्सिव टू रिपल्सिव ना नेचर, टू लाइक चार रिपल्सिव ना नेचर, टू अनलाइक चार अट्रैक्टिव ना नेचर, ठीक है। और चार का मतलब होता है क्यू इक्वल टू एल इनटू ई, एल को हमें क्या करना है नंबर सा, इसमें एल इक्वल टू नंबर सा ई की वैल्यू बताया था प्लस माइनस 1.6 इनटू 10 का पावर माइनस 19, ठीक है। चार की बिगनिंग क्या होती है? असाइनमेंट ऑफ चार इज अ बट सीरियस यूनिट ऑफ चार सॉरी बट स्मॉलर यूनिट, स्मॉलर यूनिट ऑफ चार 1 मिली ग्राम 1 माइक्रोग्राम करें,
A and B are. Assignment of current is a ampere. Current का assignment क्या होता है? Ampere. Next point. Electric current is a scalar quantity. Scalar नाइन में पढ़ा हुआ है स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी डिफिनेशन होता है दिस फिजिकल क्वांटिटी. ध्यान सुने, स्केलर क्वांटिटी का डिफिनेशन होता है दिस फिजिकल क्वांटिटी ओनली वन मैग्नीट्यूड. दिस फिजिकल क्वांटिटी ओनली वन मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन. बट नॉट डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी दीज आर फिजिकल क्वांटिटी बोथ आर नेसेसरी. दीज आर फिजिकल क्वांटिटी बोथ आर नेसेसरी. ब्रैकेट में दैट इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. ब्रैकेट क्लोज इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी. मैं फॉर एग्जांपल बोलता हूं, राम 2 मीटर पर सेकंड के से ट्रेवल कर रहा था. पहला शब्द क्या बोला? राम 2 मीटर पर सेकंड के से ट्रेवल कर रहा था. 2 मीटर पर सेकंड से क्या कर रहा था? फिर हमने बोला श्याम, सेकंड एग्जांपल, श्याम 2 मीटर पर सेकंड के से ट्रेवल कर रहा था नॉर्थ डायरेक्शन. तो राम हो गया स्केलर और श्याम हो गया वेक्टर. राम हो गया स्केलर और श्याम क्या हो गया? क्योंकि श्याम और राम का मैग्नीट्यूड क्या है? 2 मीटर पर मैग्नीट्यूड दोनों के लिए क्या है? सेम है, लेकिन राम के साथ डायरेक्शन की बात नहीं हुई है. राम के साथ डायरेक्शन की बात नहीं हुई है, लेकिन श्याम के साथ डायरेक्शन की बात की जा रही है. की जा रही है क्या जा रही है? बोला गया है कि श्याम 2 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा था किस डायरेक्शन में? तो इसलिए श्याम क्या है? वेक्टर क्वांटिटी. और राम क्या है? स्केलर. अब इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर. इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी. नेक्स्ट पॉइंट, ये नोट हो गया? यस सर. -1 mA, 1 μA, 1 pA, 1 pA, 10^-3 mA, 10^-6 mA, 10^-12. ये तीनों क्या है? स्मॉलर यूनिट ऑफ करंट. स्मॉलर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट स्मॉलर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, अगर कोई पूछे कि करंट का स्मॉलर यूनिट क्या होगा, तो आप क्या कह सकते हो? 1 mA, 1 μA, 1 pA, इटसेट्रा. याद आ गया ना? आप बिगर यूनिट कोई पूछता है तो क्या जवाब दोगे? इलेक्ट्रिक. बिगर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बिगर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पीयर. बिगर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पीयर. ठीक है, ये रहा इलेक्ट्रिक करंट की बात. इसकी बात रहा इलेक्ट्रिक करंट. अब इसमें न्यूमेरिकल देखा जाए, क्या क्या पढ़ चुके हम? चार्ज पढ़ चुके और इलेक्ट्रिक.
इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन कैसे बोलेंगे? कहेंगे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन जोन है इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन जोन है इलेक्ट्रिक करंट। याद आएगा? यस सर। वो इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम। और I is equal to Q upon T, I is equal to Q upon T, I is equal to Q upon T, ठीक है? बक्से में बंद करते हैं, समय समय पर पानी पिलाते रहेंगे, मतलब समय समय पर फॉर्मूले को रिवीजन करते हैं। बात समझ में आया? यस सर। समझ में आया क्या? यस सर। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ए साइन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अ एम्पियर, ए साइन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, ए साइन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। याद रहेगा? यस सर। एक एक पॉइंट याद करते चलना, जब टेस्ट लगे सब बहुत मानना है, भगा देंगे क्लास कई दिनों तक, ठीक है? यस सर। इलेक्ट्रिक करंट का असर क्या होता है? एम्पीयर। क्या होता है? एम्पीयर। एम्पीयर इज अ बिगर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बट एम्पीयर इज अ बिगर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हेंस स्मॉलर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अ मिली एम्पीयर, नैनो एम्पीयर, माइक्रो एम्पीयर, पिको एम्पीयर, एटसेट्रा। अब याद रखिए कि I equal to हमने पढ़ा Q upon E। If Q is equal to 1 coulomb and time T is equal to 1 second, तो then electric current I is equal to 1 coulomb upon 1 second is equal to 1 ampere। Write up and put up 1 ampere। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, अ करेंट ऑफ 10 एम्पियर, अ करेंट ऑफ 10 एम्पियर एग्जिस्ट इन अ कंडक्टर पुलिस्टा। Assuming that this current, is entirely due to the flow of electron. Point A. Find the number of electrons. Point A में क्या पूछ रहा है? Number of electrons, यानी यह पूछ रहा है, ठीक है? Find the number of electrons crossing the area of cross section per second. Crossing the area of cross section per second. Per second मतलब 1 second. Point B. Point A में क्या पूछ रहा है? Number of electrons. Point B. If such a current is maintained. For 1 hour,
such a current is maintained for 1 hour. Find the net flow of charge. Find the net flow of charge. Which lie in 1 hour. Hour matlab ghanta. Ek ghante mein kitna charge flow hoga? Give it equal to question. ठीक है, आई बात समझ में? तो देखिए आ दिया है कैपिटल टू कोर्स आई इक्वल टू 10 एम बी आर. उसके बाद क्या चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट इन 1 सेकंड. अब क्या निकालेंगे? चार्ज दिए चार्ज राइट डाउन चार्ज फ्लो देखो चार्ज फ्लो through the circuit flow in a 1 second formula I is equal to delta q upon t. So q is equal to I into t. बोलो आज कितना दिया है? 10 एमपी. टाइम कितना दिया है? तो कितना आएगा? 10 कूलर. 10 चार्ज मान हुआ. बोलो 1 सेकंड में चार्ज मान हुआ. ठीक है, अब पूछ रहा है पॉइंट ए में. पॉइंट ए में क्या पूछ रहा है? नियम पूछ रहा है. क्या पूछ रहा है? नियम. तो पॉइंट ए फॉर्मूला देखिए आई इक्वल टू क्यू अपान टी और क्यू इक्वल टू एन ई अपान टी. होगा आई मालूम है, ई एम को मालूम है, टी मालूम है, एन निकालना. ठीक है, तो एन इज इक्वल इसको ए डालने दे आप. ये इसके नीचे जाएगा, टी इसके ऊपर चला जाएगा. तो आई इंटू टी अपान क्या हो जाएगा? ये पार्ट समझ में आया? बोलो बच्चों. ठीक है, आई की वैल्यू दिया है कितना? 10 एमपी दिया कि नहीं? और टी वैसे देखो क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? आई इंटू टी. बोलो बोलो. आप देखो पीवीसी को इससे कटाओ कितना आएगा? 6.25 है कि नहीं? फ्रैक्शन का मतलब बच्चों 50 या 8 से डिवाइड करोगे 8 6 का 40 है. कितना मिला? 2 जो है 8 से कम है तो पॉइंट रख के आता करोगे 0 बड़ा. पॉइंट रख के अभी क्या किया? 0 बड़ा. पहले सीधे फाइव कर लिया हूँ. चार फ्लो थ्रो द सर्किट
या कंडक्टर इन अ वायर सेकंड वन सेकंड में उस कंडक्टर में उस सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा कितना चार्ज फ्लो होगा कितना फ्लो हो रहा है Note correct.